कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने दावा किया है कि चिचौली में कॉलेज खुलेगा और सिविल अस्पताल भी बनेगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा देर शाम चिचौली ब्लॉक के चिरा पाटला पाटाखेड़ा चिचौली पहुंची, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, यात्रा प्रभारी सांसद प्रदीप जैन, प्रदेश प्रभारी चंद्रिका प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे सहित कई नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने यहां भाजपा पर जमकर हमले किए। भाजपा की पिछले 18 सालों की सरकार को कुशासनकारी सरकार बताया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस बार जनता ने शिवराज सरकार को बाहर करने का मन बना लिया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिचौली के विकास के लिए भी कई दावे और वादे किए। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जो कहता है वो नहीं करते। आप कहेंगे कि पचौरी जी शायद ऐसी बात कह रहे हो, बात सही। शिवराज सिंह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। बोलो, घोड़ा डोंगरी में हर एक को रोजगार मिला, एक घर से एक को? बोलो लड़के लोग, नहीं मिला। मोदी जी और शिवराज सिंह ने कहा कि 2022 तक सबको घर देंगे। बोलो, घोड़ा डोंगरी में मिला सबको, चिचौली में मिला? शिवराज सिंह ने ये कहा कि हम सबको जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं मालिकाना हम देंगे, दिया? नहीं दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या दुगनी हो पाई? अरे मैं खुद किसान को मोड़ा हूं,